नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नई दिल्ली सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले संजय नौटियाल को हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अब तक आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से 25 लाख से भी अधिक की ठगी कर चुका था। वहीं एसएसपी के आदेश के बाद तत्परता दिखाते हुए लक्कीबाग चौकी ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और टीम गठित कर छानबीन शुरू की। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल नंबर लेकर उनको सर्विलांस पर डाल दिया, जिसकी लोकेशन इलाहाबाद मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम तत्काल इलाहाबाद रवाना हुई। यहां पर टीम को जानकारी मिली कि मोबाइल जिस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था उसे वो सड़क पर पड़ा हुआ मिला। वादी ने पुलिस को अभियुक्त की फोटो उपलब्ध करवाई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि उक्त व्यक्ति का असली नाम शंभुनाथ मिश्रा है, जो कि ग्राम शाहपुर थाना पथरी हरिद्वार में अपने परिवार के साथ रहता है। इस सूचना पर टीम द्वारा दबिश देकर उक्त व्यक्ति को घर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। अभियुक्त को न्यायालय के सामने पेश किया गया। एक व्यक्ति जिन्होंने कि खुद को संजय नौटियाल के नाम से अपना जो है पासवर्ड बनाया, और ये मूल नाम इनका शंभुनाथ मिश्रा है इसका, और ये उत्तरकाशी का रहने वाला है। इसने काफ़ी लोगों को ठगा है, नौकरी दिलाने के नाम पर जो है पैसे लिए हैं। तो ये व्यक्ति जो शंभुनाथ जो मिश्रा हैं, संजय नौटियाल जो बने हैं, ये भिकाराम के संपर्क में आए। कांवली रोड पे कोई धर्मशाला है, वहाँ पर भिकाराम मैनेजर थे। काफ़ी मेहनत करने के बाद हमें कुछ पता लगा कि ये लक्षर में अपना मकान बना के रहता है। तो कल मतलब हमने जो है आज इनको जो है अरेस्ट कर लिया है, और अब इनको जेल भेज दिया जाएगा। बात 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अमित रतुड़ी की रिपोर्ट।